welcome back to Rinky's Angelican. We are doing weekly videos for the week starting from 19 to 25 of May 2024. I really hope you guys are following these weekly videos and the flower of the month सारे videos आप देख रहे हो. Also आइए Instagram पे follow कीजिए. मैंने सारी links आप लोगों के लिए description box में डाली हुई है so that you can click directly and follow me on Instagram. काफी सारा different content Instagram पे भी होता है. वहाँ पर काफी सारे मैसेजेस, काफी क्रिस्टल नॉलेज, सारा कुछ मैं इंस्टाग्राम पे देती हूँ. तो आइए वहां पर फॉलो कीजिए इफ यू गाइज आर्ट ऑलरेडी. नाउ लेट्स बिगिन विद एरीज. एरीज एज ऑलवेज टू टैरो कार्ड एंड वन एंजल मैसेज. एरीज देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है. एरीज सबसे पहले तो ना मुझे ऐसे लग रहा है अपने पास से जब तक आप नहीं निकलोगे, अपने जो भी पास्ट एनर्जी कैरी कर रहे हो वहां से नहीं निकलोगे ना, तब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में फील ही नहीं कर पाओगे. ये हफ्ता ना आपका ऐसा जा रहा है एरीज कि आप सारी चीजें कर रहे हो बट आप प्रेजेंट ही नहीं हो. आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो बट आपका ध्यान दिमाग कहीं और ही चल रहा है. यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड दैट इज वेयर एरीज काफी सारी सिचुएशन ना बहुत ऑब्स्ट्रक्टेड फील हो रही है. अंदर से इस वजह से सुकून नहीं आ पा रहा, अंदर से इस वजह से चैन नहीं आ पा रहा. क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी 100 चीजें चल रही है. अभी भी कोई एक स्पेसिफिक चीज है जो बहुत जगह लेकर बैठी हुई है आपके अंदर. एरीज यू नीड टू स्टार्ट लेटिंग गो दिस वीक. यू हैव टू अलाइन योर एनर्जीज. भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना करनी है कि आप जो भी अपने मन में बैगेज लेके चल रहे हो, जो भी अपने मन में बोझ लेके चल रहे हो ना, वो बोझ आपका आज हल्का हो जाए. ये हफ्ते में आप थोड़ा सा लाइट फील कर पाओ. नाउ कमिंग टू द कार्ड 2, आई फील एरीज ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा मैसेज है भगवान की तरफ से. आप ना अपने आप को कोई चीज में ढालने की कोशिश करो ये हफ्ते, जितना हो सकता है उतना ज्यादा मैं बताऊंगी. कोई चीज सीखने की, समझने की कोशिश करो. आप लिटरली एज सिंपल एज जस्ट गो बाय अ नॉवेल एंड स्टार्ट रीडिंग. आई नीड यू टू बाय अ फिजिकल बुक ताकि आप ना वो कनेक्ट कर पाओ. जितना अगर आप यू नो ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करोगे किंडल वगैरह में, वो नहीं हो पाएगा. आपको थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा. कैंडल लाइट करो अपने आसपास, थोड़ा सा कुछ रीड करने की कोशिश करो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो. अगर कोई पैशन है आपके दिल में, दिमाग में कि यार काश मैंने ये करा होता, काश मुझसे ये हुआ होता, ट्रस्ट मी एरीज यू नो यू नीड टू टेक दैट एक्शन स्टेप दिस वीक. जितना हो सकता है उतना ज्यादा एक्शन स्टेप लीजिए. अपनी एनर्जीज को एन्चांटेड, अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा लाइट फील कराइए. उसके बाद जो आपका एंजल मैसेज आया हुआ है, जितना ज्यादा आप ऊपर वाले से कनेक्ट करोगे ना ये हफ्ते, आई फील आप अपने इनर चाइल्ड से भी कनेक्ट करोगे. एरीज आपका इनर चाइल्ड आपको बता रहा है काफी सारी चीजों में ना आप खुशियां ढूंढने की कोशिश करो. सो दिस वीक मेक श्योर यू आर डूइंग लिटिल थिंग्स दैट एक्चुअली ब्रिंग जॉय टू यू. आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो. पता है ये सारी चीजों का एक सर्कल यही है कि एरीज अपने ऊपर फोकस लाओ. जो आप पास्ट में अटके हुए हो, जो एनर्जी आपकी खो गई है, जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, उस पे पूरा ध्यान लगाकर बैठने का कोई मतलब नहीं है. यू नो इट्स योर वीक टू ग्रो, गेन मोर नॉलेज, टू डाइवर्ट योर एनर्जीज, टू फोकस ऑन योर इनर चाइल्ड. जितना हो सकता है छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करो एंड ट्रस्ट मी ऊपर वाला जरूर आपको वो खुशियां देगा. सो एरीज आई रियली होप दिस हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट वीक अहेड. वी मूव टू टॉरस. टॉरस में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं इस हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है. टॉरस सबसे पहला जो कार्ड आया हुआ है वो लग रहा है यार बिकॉज एक चीज नहीं हुई, बिकॉज कोई चीज आपके मन अनुसार नहीं हुई है, आपके विल अनुसार नहीं हुई है, आपका गुस्सा इनटू 100x हो गया है. ये हफ्ते आपको सबसे पहले तो अपने आप को शांत करना है, अपनी एनर्जीज को काम डाउन करना है. टॉरस बहुत फ्रस्ट्रेशन लग रही है हर चीज में. आप लिटरली जो कर रहे हो ये हफ्ते ना गुस्से से कर रहे हो. यू नीड टू ईज, यू नीड टू रिलैक्स. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टॉरस जितना हो सके उतना ज्यादा जर्नल करें ये हफ्ते. अपनी सारी भड़ास, अपनी सारी एंगर, अपना सारा अग्रेशन कहीं ना कहीं आप निकालें और वो कोई गलत जगहों पर ना निकले. इसीलिए आपको अपने आप को सेंटर लाने के लिए, आपको अपने आप को कैसे कहते हैं थोड़ा सा सॉर्ट करने के लिए अपनी एनर्जीज को निकालना है, रिलीज करना है. एंड यू नथिंग बेटर देन जर्नलिंग. सो प्लीज टॉरस ये हफ्ते टेक टाइम टू योर सेल्फ. मे बी यू नो लाइट अ लिटिल कैंडल और थोड़ा सा या धूप वगैरह जला लो. अपनी एनर्जीज तो थोड़ा क्लेंस कर लो. जैसे आप वो करोगे आई फील देयर इज सो मच क्रिएटिविटी, फ्लोइंग इन, मेरे हिसाब से काफी आपके इमोशंस भी आप टेक केयर कर रहे हो, यू नो, जैसे आप ये फ्रस्ट्रेशन निकालोगे ना, मुझे लगता है आधा तो आपका प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगा और वैसे ही आपको रास्ता दिखने लगेगा। अब आपको लगेगा ओके, माय स्टेप 1 इज दिस, माय स्टेप 2 इज दिस, माय स्टेप 3 इज दिस। तो आपका एक जो विजन है ना वो काफी अलाइन होगा। वो विजन को अलाइन करने के लिए आप कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटी करें, या फिर अगर कोई चीज आपके अंदर से आ रही है या किसी को हेल्प करना है तो आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज, अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें। मुझे ऐसा लग रहा है आपका इंट्यूशन भी आपको काफी गाइड कर रहा है, बट बिकॉज यू आर सो फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज यू डिडंट वर्क, लाइक यू नो, कोई चीज आपके लिए काम नहीं करी, वो चीज इतना ज्यादा आपको ओवरवेल्म करी है, उस चक्कर में ना आप सब कुछ रॉन्ग कर रहे हो, आप सब कुछ मैसअप कर रहे हो। डोंट मेस थिंग्स अप दिस वीक टॉरस। आई फील आपको बहुत ज्यादा ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, जस्ट ट्राई टू लिसन टू दैट, रिलीज योर फ्रस्ट्रेशन बाय जर्नलिंग। जैसे आप वो सारी चीजों करोगे, एग्जैक्टली एंजल मैसेज, राइट टॉरस, आपका एंजल मैसेज भी एग्जैक्टली सेम आया हुआ है, विच इज लेटिंग गो। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड रियली वॉन्ट यू टू लेट गो थिंग्स, एनर्जीज विच इज नॉट फेवरिंग यू। जो चीज आपका फायदा नहीं दे रही, जो चीज से आपको कुछ नहीं मिल रहा, वो चीज को आप इतना ज्यादा टाइटली पकड़ के क्यों बैठे हो। सो समवेयर आई फील इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टॉरस टू रिलीज, लेट गो, सरेंडर टू द यूनिवर्स। जितना ज्यादा आप सरेंडर करोगे उतना ज्यादा आपकी एनर्जीज अच्छी होगी, उतना ज्यादा आप अच्छा और लाइट महसूस करोगे, टू बी एबल टू फोकस एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन। सो या, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू टॉरस। आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Gemini. Gemini, आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड as always and एक एंजल मैसेज। Gemini, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है। वंडरफुल कार्ड टू बिगिन विद Gemini। मुझे ऐसा लगता है आपके ना कहीं बेटर एनर्जीज, या लिटरली बोलूंगी बेटर दिन स्टार्ट हो रहे हैं। Gemini, this week is a week of new beginnings. कोई ना कोई चीज में नई शुरुआत होगी, कोई ना कोई चीज में पॉजिटिविटी दिखेगी, कोई बर्डन, कोई हैवीनेस, कोई ट्रॉमा, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंड दिख रहा है, यू नो, खात्मा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप जो चीज बहुत हैवीली अपने साथ लेकर चल रहे थे वो रिलीज कर रहे हो, वो लेट गो कर रहे हो, और आप अपनी एनर्जीज को सही दिशा में चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, सही दिशा में डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सो समवेयर आई फील यू आर देयर, यू आर वॉकिंग फॉरवर्ड, यू आर डूइंग थिंग्स राइट। उसके साथ साथ ये भी है कि जेमिनाई, अगर कोई न्यू आइडियाज है, कोई न्यू थॉट्स है दिमाग में, तो उसको वैल्यू करो, उसको वर्थ करो। आप ना बस ऐसा लगता है नहीं, ये मुझे करने ही नहीं देगा कभी, ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा। सो समवेयर आपने ना बहुत अपने आप को कंडीशनिंग करके रखी हुई है कि या ये मुझे नहीं करने देंगे, चाहे वो आपके फैमिली हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, या फिर आपने अपने आप के लिए बहुत कंडीशनिंग करके रखी कि ये मेरे से होगा ही नहीं। आई फील दिस वीक ट्राई टू ब्रेक दैट कंडीशनिंग। अपने दिमाग में जो बाउंड्रीज बना के रखी हुई है ना जेमिनाई, वो बाउंड्रीज ब्रेक करो, रिलीज करो अपने आप को। मेरे हिसाब से काफी नई आइडियाज आ रही हैं ये हफ्ते, काफी न्यू एनर्जीज आ रही हैं, जिसको आप वेलकम करेंगे ना तो लिटरली आपको फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो वन दैट कैन एक्चुअली स्टॉप यू। जेमिनाई, आई फील दिस इज अ वीक जहां पे आप डेफिनेटली एक कदम आगे बढ़ रहे हो, There's no looking back। काफी हैवी चीजों को आप रिलीज कर रहे हो, विच इज ग्रेट। आप इमोशनली भी थोड़ा सा सॉर्ट कर रहे हो, इमोशनली भी अपनी लाइफ में इन जनरल भी काफी स्ट्रक्चर लाने की कोशिश कर रहे हो। तो जो आप एफर्ट ले रहे हो ना ये हफ्ते, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो बहुत ही अमेजिंग है। उसके साथ जो आपका एंजल मैसेज आया हुआ है जेमिनाई, the card is financial flow। I feel this is also relating to your reading today। जेमिनाई, आपकी जो एनर्जीज है, आपकी जो वाइब्रेशन है ना, जैसे आप आगे कदम बढ़ा रहे हो, ऊपर वाला उतना ही ब्लेसिंग आपको दे रहा है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज लीडिंग टू बेटर फाइनेंसेस, दिस इज लीडिंग टू बेटर फाइनेंशियल सिचुएशंस इन योर लाइफ, और आपका पैसे और आपका रिलेशन थोड़ा बेटर होते हुए नजर आ रहा है। जो आप इनसिक्योर फील कर रहे थे ना पैसे को लेकर, शायद ये हफ्ते आप सिक्योर फील करो, आपको लगे हाँ यू नो आई हैव मनी दैट आई नीड राइट नाउ इन माय लाइफ। वो इनसिक्योरिटी पैसे को लेकर, अगर ये हो गया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास, वो सारी चीजें खत्म होने के बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज दिख रही है। कंटिन्यू बीइंग ऑन द जर्नी ऑफ सेल्फ ग्रोइंग जेमिनाई, यू डिजर्व अ लॉट मोर इन योर लाइफ। या, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू। I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to। Have a great week ahead। We move to Cancer। कैंसर में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करियो। कैंसर देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है। कैंसर, आप ना ये हफ्ते बहुत ओवरथिंक कर रहे हो यार, अननेसेसरी सिचुएशंस को पकड़ के बैठे हुए हो, अननेसेसरी सिचुएशंस को लेके ओवरथिंक कर रहे हो, लिटरली बताऊंगी राई का पहाड़ बना रहे हो। ट्रस्ट मी, ये सिचुएशन में कोई दम नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं है। यू नीड टू स्टार्ट लेटिंग गो, यू नीड टू स्टार्ट फीलिंग ईजी। मुझे ऐसा लग रहा है मतलब लिटरली अननेसेसरी चीजों में ना आप अपना 500% डाल रहे हो और जो नेसेसरी चीज है ना उधर देख भी नहीं रहे हो। यू नीड टू सिट विथ योर सेल्फ एंड ब्रिंग योर सेल्फ बैक टू सेंटर कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ में क्या इस वक्त जरूरी है। कैंसर, जब आप वो जरूरत की चीज समझने की कोशिश करोगे ना तब आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो ये टाइम वेस्ट कर रहा हूं, और टाइम वेस्ट टू एन एक्सटेंड कैंसर, जहां पे ना आपको स्लीपलेस नाइट्स आ रही है, आप सही ढंग से सो तक नहीं पा रहे हो, इतना दिमाग कॉन्स्टेंटली रन 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 कर रहा है। यू नीड अ ब्रेक, यू नीड अ ब्रीदर विद दीज ओवरवेलमिंग एंड ओवरथिंकिंग थॉट्स दैट यू हैव, जो आपके लिए ना इस वक्त कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कैंसर, focus on your relationship this week, focus on the energy that really needs your attention। अपनी family life को थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। व्हेन आई से प्रोटेक्ट, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली उनको प्रोटेक्ट करना। अगर आपके बच्चे हैं या आपकी स्पाउस है या लेट्स से फॉर दैट मैटर अगर आपकी मदर या फादर भी है, कहीं ना कहीं कोई एफडी उनके नाम पे खोल दो। आप किसी को, अपनी फैमिली को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो ये हफ्ते। उनके नाम पे कोई अकाउंट खोल दो, उनके नाम पे कोई आरडी खोल दो, यू नो पोस्टल सर्विस में कुछ करा लो। समवेयर समथिंग नीड्स टू बी डन। जैसे आप ये करोगे ना आपको थोड़ा सा इजी महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत नेगेटिव भी सोच सकते हो ये हफ्ते। कैंसर, ऐसे लग रहा है लिटरली हर चीज में आप नेगेटिव पुल कर रहे हो, आप अच्छाई देख ही नहीं पा रहे हो, जबकि यू आर नॉट दिस पर्सन, यू आर नॉट दिस पर्सन टू हैव सो मच नेगेटिव थॉट्स इन योर हेड। तो इसको कहीं ना कहीं ये हफ्ते ब्रेक करना है, ये पैटर्न को ब्रेक करना है, अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फैमिली टाइम देना है। मे बी जस्ट गो आउट ऑन अ कॉफी डेट विथ योर पार्टनर, मे बी जस्ट सिट एंड हैव फन विथ योर किड्स दिस वीक। हो सके तो अपने बच्चों को थोड़ा सा मॉल वगैरह ले जाओ, थोड़ी सी लाइट करो एनर्जीज। आपकी एनर्जीज बहुत एकदम ड्रेन्ड, हैवी, यू नो बहुत नेगेटिव हो गई है। सो वी नीड टू गिव दैट ब्रीदर, वी नीड टू गिव दैट चेंज टू योर एनर्जीज दिस पर्टिकुलर वीक। Moving to the angel message, awakening your true self. I feel Cancer very very important. आप ना ये सारी चीजों में ना अपना true self भूल गए हो, आप समझ नहीं पा रहे हो who you are, what your real purpose to life is। ये सारी चीजें गुम सी हो गई हैं, सारी चीजें खो सी गई हैं। You need to really come back to center and you know remind yourself आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपने क्या क्या चीजें करनी है। अगर आपने कोई विजन बोर्ड प्रिपेयर करा हुआ है ना ये हफ्ते कैंसर, जाओ विजन बोर्ड के साथ लिटरली 30 मिनट स्पेंड करो, आपकी एनर्जीज ऑटोमेटिकली थोड़ा बेटर फील करने लग जाएगी। सो या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू कैंसर। आई रियली रियली होप इट हेल्प्स, गिव्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। वी मूव टू लियो। लियो में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। लियो देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही हैं आपके लिए। लियो, थोड़ा सा ना ऐसे लग रहा है कलेश हो सकता है आपकी फैमिली में। आपकी जो फैमिली एनर्जीज है ये हफ्ते इतनी अच्छी नहीं लग रही है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं या घर पे कोई बहुत इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है नेगेटिविटी या हीटेड अप हो गया, यू नो व्हाट, दिस वीक इज अ डिफिकल्ट वीक फॉर यू गाइस। लियो, हो सकता है ये हफ्ते कोई कोर्ट कचहरी का मामला लगे, कहीं ना कहीं फैमिली को लेके इनहेरिटेंस की, प्रॉपर्टी वगैरह में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना पीछे बैठकर रूल करने की कोशिश कर रहा है। सम सीनियर पर्सन इन द फैमिली इज ट्राइंग टू रूल द सिचुएशन, सबको लिटरली ब्रेन वॉश करना, दूसरों के कानों में गलत गलत चीजें बोलना। सो देयर इज सम लेट्स से मैनिपुलेटर ये सारी सिचुएशन में, जो ये सिचुएशन को लीड कर रहा है। एंड आई फील ये हफ्ते एटलीस्ट आपको थोड़ा सा इजी हो जाना है लियो, बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना है। इवन दो द सिचुएशन इज पॉसिबल कि वो आपको हाइपर बना दे, बट आई फील यू नीड टू लाइक रियली काम योर एनर्जीज डाउन, क्योंकि हाइपर में ना ये जो मैंने बोला कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है। सो समवेयर दैट कुड प्ले अ लॉट अगेंस्ट यू। तो ये हफ्ते कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस, कोई भी अगर आपको कहीं साइन करना है, कोई पेपर वर्क है, डू नॉट साइन एनी पेपर वर्क दिस पर्टिकुलर वीक, स्पेशली व्हेन इट्स रिगार्डिंग टू योर पर्सनल लाइफ, व्हेन इट इज रिगार्डिंग टू योर फैमिली। प्रोफेशनल लाइफ को लेके मैं बोलूंगी ओके नो व्हाट, यू कैन स्टिल डू इट, यू कैन स्टिल मेक इंपॉर्टेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस बिकॉज आपका माइंड है बेटर लाइक प्रोफेशनल लाइफ को लेके और अपने प्रोफेशनल फाइनेंसेस को लेके, बट थोड़ा सा आप गूफ अप करो व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ। यू रियली नीड टू हैव अ काम माइंड। झगड़ों में, आर्ग्यूमेंट्स में तो बिल्कुल भी मत पड़ना किसी से। लिटरली ऐसा होगा कि छोटी सी बात का इतना बड़ा सा भतंगड़ बन सकता है। तो आप हो सके तो ना अपने आप को थोड़ा सा ये सिचुएशन से दूर ही रखो, जितना हो सकता है उतनी अपनी एनर्जीज को संभालो। इजी एनर्जीज में बिलीव करो और उसको इनवाइट करो। इजी वर्ड चैंट करो ये हफ्ते जितना होता है ना, इजी, तो आपकी एनर्जीज प्रॉपर एक स्टेबल फील करेंगे। मूविंग टू एंजल मैसेज लियो इज एग्जैक्टली व्हाट वी जस्ट स्पोक। क्वाइट टाइम, एंजल्स यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं थोड़ा सा क्वाइट टाइम ले लो, थोड़ा सा लिटरली ऐसा है कि अपनी जो भी एनर्जीज है ना उसको कंपोज करो। अपने आप से बैठो और लिटरली कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कुछ ज्यादा मत सोचो, बैठे रहो। मे बी यू वांट टू सिट इन फ्रंट ऑफ गॉड and pray and do whatever. So take that breather, take that quiet time to yourself to compose your thoughts together, to literally have a structure to everything that you do. That is what we have for you, Leo. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Virgo. Virgo में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। वर्गो देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, ये हफ्ते की वाइब्रेशंस आपको क्या बता रही हैं। वर्गो सबसे पहले तो ऐसे लग रहा है आप ना सिचुएशन को आगे बढ़ा ही नहीं रहे हो, आप कोई आगे कदम ले ही नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि दिमाग में इतना डर बैठा हुआ है। वर्गो ये डर क्यों है, किस चीज का डर है आपको? पहले तो मैं बताऊंगी कि आप बैठो, अपने आप से फिगर करो, अपने आप से सोचो कि क्या डर है और क्यों है ये डर। जब तक आप ये फिगर नहीं करोगे, जब तक आप ये समझोगे नहीं ना, तब तक ऐसे लग रहा है वर्गो आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके आगे लिटरली दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है पर आप वो ले नहीं रहे हो क्योंकि आपके अंदर 100 चीजें चल रही है। आप बहुत डरे हुए हो, बहुत घबराए हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है अगर मैंने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, अगर ये कर दिया तो ये हो जाएगा। बहुत ज्यादा ना ओवर कैलकुलेट कर रहे हो ये हफ्ते। आई फील वर्गो थोड़ा सा ठंडा हो जाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कहीं ना कहीं मैं बताऊंगी थोड़ा सा सरेंडर कर दो, ऊपर वाले के लिए छोड़ दो कि जो आपके लिए अच्छा है वही आपके साथ होगा। आप अपनी कैलकुलेशंस करना तो ये हफ्ते बंद कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये किया तो ये होगा, अगर ये किया तो ये होगा। इतने ज्यादा आप कनेक्शंस और परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस बिठाने की कोशिश करो, उस चक्कर में ना आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। उस चक्कर में आप जो आपका लीप ऑफ फेथ है ना वो ले ही नहीं पा रहे हो। मेरे को ऐसे लग रहा है या चीजें आपके सामने आ रही है। ये हो सकता है कि स्पेशली आपके लव लाइफ को लेके ना कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है, कोई आपको प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है या आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशन बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपने आप में पट्टी बांध रखी हुई है, नहीं मैं डरा हुआ हूँ, मेरे साथ वापस वही होगा जो मेरे पास्ट में हुआ है। सो आई फील दैट इज वेयर यू नीड टू ब्रेक द चेन, दैट इज वेयर यू नीड टू मेक सर्टेन शिफ्ट्स एंड चेंजेस। जैसे आप ये सारी चीजें करोगे ना, आई फील वर्गो चीजें बेटर होंगी। आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज खड़ी हैं, बी इट प्रोफेशनल, पर्सनल, सेल्फ ग्रोथ। आप उस पर फोकस करो, आप उस पर अलाइन करो। एंड यूनिवर्स का मैसेज भी आपके लिए लव लाइफ को लेके ही आया हुआ है, विच इज रोमांटिक पार्टनर। आई फील वर्गो इट इज अ टाइम वेन यू टेक योर लव लाइफ टू नेक्स्ट लेवल। कोई ना कोई डिसीजन लो। आपको अगर कोई अच्छा रिलेशन दिख रहा है, आपका रिलेशन अगर अच्छा चल रहा है, नाउ इज द टाइम टू लिटरली टेक दैट रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट स्टेप और आप उसको कमिटमेंट दो अपने रिलेशनशिप को, ताकि आपका जो फ्यूचर है बहुत सेफ और सिक्योर हो जाए। सो वर्गो आई रियली होप दिस हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Libra. Libra आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज। देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज आपके लिए क्या बता रही हैं। लिब्रा, वेरी वेरी गुड कार्ड। आई फील समय सबसे पहले ये तो अच्छा कार्ड इतना नहीं है, बट हाँ लिब्रा मुझे ऐसे लग रहा है आप ना मेहनत बहुत कर रहे हो, एफर्ट बहुत लगा रहे हो। जहां जहां लिटरली बोलते ना पत्थर मारना है, आप मार रहे हो। हर चीज में आप बहुत अच्छी सी जान लगा रहे हो, बहुत अच्छा एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो। बट यू नो व्हाट लिब्रा, देयर इज लैक ऑफ प्लानिंग. आपकी एनर्जीज में, आपकी वाइब्रेशन में प्लानिंग ही नहीं है. मतलब आंख बंद करके चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो. इज इट गिविंग एनी आउटकम? इज इट गिविंग यू एनी डिजायर्ड रिजल्ट? लीब्रा, द आंसर इज नो. आपको जितना आपने एफर्ट लिया, जितना आपने मेहनत किया ना, उसका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है. क्यों? क्योंकि आपके एक्शंस में ना प्लानिंग ही नहीं है. सिर्फ एक्शन 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 करते जा रहे हो और ये एक्शन एक्शन के चक्कर में ना आगे गड्ढा आ रहा है, आप गिर जा रहे हो. सो अंडरस्टैंड लीब्रा, ये हफ्ते काफी इंपॉर्टेंट चॉइसेस या डिसीजंस आपको लेनी पड़े. कोई बड़ा काम, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, बट गो विद अ प्रॉपर प्लान. आपके अंदर ना अच्छे से एनर्जीज को ओपन करो. अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको वेलकम करो. ब्लाइंड फोल्डेडली हाँ या ना जो भी डिसीजन नहीं लेना है, उसको बहुत अच्छे से नाप तोल के, उसके प्रोज एंड कॉन्स को वैल्यू करके उसके बाद कोई स्टेप लो. ट्रस्ट मी लिब्रा, जैसे आप ये करोगे ना, आपका जो भी सिचुएशन में आप अड़चन या अटकान महसूस करो ना, आप बहुत ईजी फील करोगे, आप बहुत लाइट फील करोगे. आपको ऐसे लगेगा यार मैं इतना स्ट्रेस क्यों लिया इस चक्कर में, मैंने ये चीज को इतना ज्यादा क्यों ओवरथिंक करा, जबकि दिस वाज वेरी सिंपल. सो दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली प्लेइंग इन योर फेवर, बट आपको अच्छे से प्लानिंग करके जाना है. Libra, I feel again the lover's card is here to only tell you that you have a very strong support system. आपके साथ आपके पार्टनर लिटरली एक रॉक की तरह खड़े हुए हैं. आपकी चाहे जो सिचुएशन हो, बेस्ट ऑफ द टाइम्स और नॉट द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, आपके पार्टनर आपके साथ खड़े हुए हैं. सो आई ऑल्सो फील ये हफ्ते ना लिब्रा आपको इनिशिएट करना चाहिए टू मेक योर पार्टनर फील कंफर्टेबल अबाउट द रिलेशन. अगर थोड़े से आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है ना, यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद योर पार्टनर. अपने पार्टनर को बिठा के अपनी जो एनर्जीज है, अपने जो प्लान्स है, वो समझाओ. जैसे आप वो करोगे तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ना थोड़ी सा डर, थोड़ी सी कैसे कहते हैं, एक रॉकी रोड दिखाई दे रहा है. कहीं ना कहीं शायद वो आप हो सकते हो, शायद वो आपके पार्टनर हो सकते हो, बहुत डगमगा फील कर रहे हो. उनको ऐसे लग रहा है कल क्या होगा पता नहीं, आज हमारे सर के ऊपर एक छत है, शायद कल ना हो. तो काफी सारी चीजें हम ओवरथिंक और नेगेटिव जोन में भी जा रही है. लिब्रा, यू नीड टू सिट डाउन एंड हैव अ कॉन्वर्जेशन विथ योर पार्टनर अबाउट योर प्लान्स, योर एनर्जीज, अबाउट एवरीथिंग दैट यू फील लाइक. ये चीज ये हफ्ते जरूरी है क्योंकि रिलेशनशिप में ना थोड़ी सी इनसिक्योरिटी दिख रही है. उसके बाद एंजल मैसेज फॉर यू लिब्रा इज प्रॉब्लम रिजॉल्व. जो भी आपकी प्रॉब्लम थी ना, जिसलिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया, जिस सिचुएशन ने आपको बहुत ऐसे फील कराया, लेट डाउन फील कराया, अंदर ही अंदर काफी रोना जैसे आ रहा था, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है. यू शुड डेफिनेटली फील लाइटर ये हफ्ते. ऐसे बोलते ना, यहाँ से एक बड़ा सा पत्थर हट गया है. सो नाउ डोंट स्ट्रेस एनी मोर, नाउ डोंट वरी एनी मोर. यू ऑन द राइट पाथ, ऑन द राइट ट्रैक. चीजें डेफिनेटली आपके फेवर में ही काम करेगी. दैट इज वॉट वी हैव फॉर यू गाइज. आई रियली रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Scorpio. Scorpio, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं Scorpio ये हफ्ते की energies क्या बता रही है. Okay, to begin Scorpio, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी, कहीं ना कहीं आपको ना ये हफ्ते थोड़ा सा बैठ के रीइवैल्यूएट करनी चाहिए बहुत सारी सिचुएशन. ऐसे लग रहा है लिटरली सालों से, महीनों से इतना काम कर रहे हो, इतनी एफर्ट ले रहे हो, अब ना आपकी जो शरीर है ना वो थक गई है. यू नो, यू आर मेंटली एंड फिजिकली ड्रेन्ड एट दिस पॉइंट. सो स्कॉर्पियो, बिगिन बाय जस्ट लुकिंग बैक 1 ईयर. 1 साल पीछे जाओ, देखो मैंने ये चीजें की है, इसका क्या आउटकम मिला है. बीट पर्सनल, प्रोफेशनल, सेल्फ ग्रोथ, आपकी हेल्थ को लेके, आपकी फिजिकल मेंटल वेलबींग को लेके. मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जब आप अपना पीछे जाकर समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपके आगे वाले स्टेप्स थोड़े से बेटर हो जाएंगे. क्योंकि अभी ऐसे लग रहा है लगे हुए हो, बट क्या ये आपको रिजल्ट दे रहा है? क्या ये आपको अप्रिशिएट कर रहा है? क्या आपकी ग्राफ में ग्रोथ आई हुई है? नहीं आई हुई है. यू नो व्हाट स्कॉर्पियो, यू रियली नीड टू रीडिस्कवर योरसेल्फ. ये बहुत ही भारी वर्ड है कि रीडिस्कवर करना है, बट मैं बताऊंगी लिटरली हर चीज को ना एक टाइम के बाद थोड़ा सा फ्यूल की जरूरत होती है. तो ये हफ्ते आप ना अपने आप को थोड़ा सा फ्यूल दो, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा समझो, अपने आप को समझो कि मेरा पर्पस क्या है, क्या करना है लॉन्ग टर्म में, आज से 5 साल 10 साल. तो ये हफ्ते लिटरली अपने साथ दिमाग खोड़ी करनी है, जितना हो सके उतना ज्यादा दिमाग खोड़ी करो, क्योंकि आपके वो एक्शंस में और आपकी एनर्जीज में वो सेटिस्फैक्शन लाएगा. अब तो ऐसा लग रहा है हाँ मैं कर सब रहा हूँ पर बिल्कुल दिल से नहीं हो रहा, बिल्कुल मतलब मजा नहीं आ रहा है, बस हाँ करने के लिए कोई चीज कर रहे हो। उसके बाद बिकॉज यू नो देर इज नो इम्प्रूवमेंट इन योर ग्राफ, अब आपको लग रहा है मैं जो कर रहा हूँ ना उसमें मुझे डर लग रहा है, आज मेरे साथ ये चीज है शायद कल नहीं हो, बहुत भी आप फियरफुली स्टेप्स ले रहे हो, फियरफुली आप कदम ले रहे हो, फियरफुली आप जी रहे हो। ये डर क्यों? स्कॉर्पियो इतना ज्यादा मन में आपके डर बैठा हुआ है ना कि ये ऐसा होगा, बट आपके साथ ये वीक मैं बताऊंगी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट आप वो अपॉर्चुनिटी के आगे जाकर उसको छूकर वापस आ जाएंगे पर वो लोगे नहीं। सो यू नो व्हाट, आई डोंट वांट यू टू मेक दैट मिस्टेक, आई वांट यू टू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग योर एनर्जीज। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको सही तरीके से नाप तोल के समझे और फिर कोई डिसीजन ले। जस्ट बिकॉज आप बहुत डरे हुए हो, जस्ट बिकॉज आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो, इसका मतलब ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर दो, इसका मतलब ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी लेनी नहीं है। सो आई फील वर्क विथ योर सेल्फ मोर। उसके साथ जो एंजल मैसेज आया है, एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू हियर इज व्हाट आई फील। स्कॉर्पियो किक योर हील्स अप यार, आपके आगे इतनी सारी चीजें हैं, इतनी अमेजिंग एनर्जीज खड़ी हुई है, बट आप वही एक शेल में जीने की कोशिश कर रहे हो। नो, गो ऑल आउट। आई फील स्कॉर्पियो जितना हो सकता है kick your heels up, there is a rainbow in front of you, go take that, grab that, feel that lightness, feel that positivity। आप ना बस sadness में ही चलते जा रहे हो, आपने वो अपना लिया कि भाई मेरी जिंदगी अब यही है। No, there is so much more to your life। I feel you need to work a lot on self discovery this week। Yeah, that is what we have for you। I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to। Have a great week ahead। We move to Sagittarius। Sagittarius, दो टैरो कार्ड, एक एंजल मैसेज। सैजिटेरियस देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है। सैजिटेरियस ऐसे लग रहा है हाँ ये हफ्ता कुछ ऐसा खास प्रोग्रेस नहीं होगा, ये हफ्ते अभी भी चीजें काफी स्लो ही चल रही है। आपने ये मोनोटोनस जिंदगी से शायद बोर हो चुके हो, अब आपको ऐसा लग रहा है नहीं मेरे को ये मोनोटोनस जिंदगी नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सा न्यूनेस, कहीं ना कहीं कुछ नया करने की, नई एनर्जी लाने की उम्मीद है। सो आई फील यू नो व्हाट सैजिटेरियस, ये हफ्ते आप ट्रैवल प्लान करो, अभी नहीं तो शायद आने वाले 2 महीनों में आप अपना बैठ के पूरा ट्रैवल अच्छे से प्लान करो, चाहे वो 2 दिन की छुट्टी हो, चाहे वो 6 दिन की छुट्टी हो, चाहे वो 1 दिन की छुट्टी हो, बट आपको ये करना चाहिए। जितना आप ये करोगे ना आपकी एनर्जी में थोड़ा सा फ्रेशनेस आएगा। अब ऐसे लग रहा है आपकी एनर्जी डल हो गई है, वही चीज वही चीज वही चीज ऑन लूप ऑन लूप ऑन लूप चलती जा रही है, तो आप ना बहुत टायर्ड हो गए हो, आप बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हो सेम चीजों से, मे बी सेम रूटीन से। सो सैजिटेरियस यू नीड टू लाइक रियली कम आउट ऑफ दिस शेल, यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। उसके साथ ऐसे लग रहा है बिकॉज आप इतने सारे सिचुएशन में अटके हुए हो, ऑनेस्टली वर्क वाइज आई फील थिंग्स आर ओके, थिंग्स आर डिसेंट। कोई ऐसी चीज नहीं है जहां मैं आपको बोलूंगी ये गलत चल रहा है, ये सही नहीं है, इसको वर्क अराउंड करो। नो, यू नो व्हाट, यू आर ओके, बट एट दिस पॉइंट यू नो यू आर वेरी वेरी लोनली। ऐसे लग रहा है सैजिटेरियस सब होने के बाद भी मेरे साथ ना कोई नहीं आज, तो कहीं ना कहीं आपको शायद अकेलापन थोड़ा सा खा सकता है ये हफ्ते। अकेलेपन की एनर्जीज आपको थोड़ा सा फियर दे सकती है, थोड़ा सा डर दे सकती है, बट यू नो व्हाट सैजिटेरियस, आई रियली वांट यू टू वर्क ऑन योर ट्रैवल। जितना ज्यादा आप ट्रैवल पे काम करोगे या ना कोई प्लान करोगे, आई फील दैट इज व्हाट इज गोइंग टू रियली ब्रिंग द एंथुजियाज्म इन यू, बिकॉज यू आर अ सुपर एंथू किड। मतलब आपको छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा खुशियां देती है, बट अब आपका जो फेस चल रहा है ना पर्टिकुलरली ये वीक, बहुत डल, बहुत ड्रेन हो गए हो, हर चीज बहुत रूटीन लग रही है आपको ना, ये रूटीन से अभी चिढ़ आ रही है। सो वी नीड टू फिक्स दैट अप फर्स्ट फॉर यू। While you're at it, angel messages, visualization ये आपको बता रहा है यार अब ना थोड़ा सा जैसे आप ये monotonous से भी बोर हो गए हो, बैठो ये हफ्ते अपनी आइडियल लाइफ विजुअलाइज करो। एक एक्सरसाइज जो मैं आपको ये कार्ड के साथ दे रही हूँ ना सैजिटेरियस, दैट विल रियली हेल्प यू। व्हेनेवर दिस वीक यू हैव टाइम, एक पेन और पेपर लो और आइडियल डे इन माय लाइफ करके अपनी पूरी स्क्रिप्ट करो। वो जो जो चीजें आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में हो, हर एक चीज लिखो इन प्रेजेंट टेंस, और वो पेपर संभाल कर अपने कबर्ड में, अपनी तिजोरी में रख दो। यू नो दैट इज अ वे यू आर टॉकिंग टू गॉड एंड यू आर मैनिफेस्टिंग योर आइडियल लाइफ। लेट्स से कि मेरे को ना एक i10 लेनी है, या यू नो मेरे को एक होंडा सिटी लेनी है, So I have a Honda City silver color with me. I am going for a drive in this beautiful car of mine. Literally एक-एक चीज उसको elaborate करके लिखो and that will really bring a lot of joy and enthusiasm in your journey, which is very, very important at this point in your life. So yeah, Sagittarius, I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Capricorn. Capricorn, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं Capricorn इस हफ्ते की energies आपके लिए क्या बता रही है. I feel somewhere Capricorn family life को लेके you're very content, you're very happy, you're very joyous, you're in a good place. Capricorn family को लेके आपको ऐसा लग रहा है हाँ शायद जो जो मेरी expectations थी, maybe जो जो मेरी इच्छाएं थी, you know I'm really there and I think it's working very, very well for me. So you know family को लेके energies is very content, very happy. आप family get-togethers हो सकते हैं ये हफ्ते, you know you can just maybe spend a good time with your child this week and you'll feel the joy. जो शायद आपको guilt खा रहा था ना, वो guilt को आप cover कर दोगे with a lot of satisfaction this week. But professionally I feel still आप ना फिगर करो हाँ हो करना है नहीं करना है. There are too many questions running in your mind प्रोफेशनल लाइफ को लेकर. तो थोड़ा सा मैं बताऊंगी ये हफ्ते ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लो, कोई जॉब स्विच भी मत करो. जस्ट मे बी यू नो सेल थ्रू ये हफ्ते जितना होता है निकालो काटो. प्रोफेशनल लाइफ को लेके अभी भी आप बहुत अग्रेसिव हो, अभी भी आप बहुत सैड हो, अंदर ही अंदर ना दब रहे हो, अंदर ही अंदर खा रहे हो. मे बी आपको पैसे की कमी खलक रही है इस हफ्ते. आपको ऐसे लग रहा है यू डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर योरसेल्फ फॉर योर फैमिली. तो वो चीज ना आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है. But I feel more than making choices or decisions, I want you to start making your relationship better with money. जितना हो सकता है उस पर फोकस करो. पैसे को लो, उसको ग्रेटिट्यूड दो, पैसे को लो, उसको थैंक यू बोलो, पैसा अपने आगे रख के उसकी थोड़ी सी पूजा करो. यू नो दैट इज वॉट यू नीड टू फिक्स एट दिस पॉइंट फॉर योर सेल्फ. उसके बाद जो एंजल मैसेज आया हुआ है कैप्रिकॉर्न आपके लिए, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन. यूनिवर्स एंजल्स आपको बता रहे हैं जो भी अंदर कूड़ा भर के रखा हुआ है ना, हियर यू नीड टू रिमूव दैट एंड क्लेंस दैट. अपने सारे ओवर थिंकिंग, अपने सारे फियर्स, अपने सारे डर, नेगेटिव एनर्जी सब निकालो और अच्छी जगह बनाओ ताकि आपके थॉट्स अच्छे आए. अभी भी ऐसे लग रहा है यू नो यू नीड टू डू समथिंग टू डिटॉक्सिफाई योर एनर्जीज. मे बी गेट एन ऑरा क्लेंजिंग डन. इफ नॉट मे बी जस्ट टेक अ लिटिल धूप एंड डू दिस टू योरसेल्फ. थोड़ा नमक से अपनी नजर भी उतार सकते हैं. क्लेंज योर एनर्जी विद अ सेलेनाइट स्टिक. देयर आर मल्टीपल वेज टू वर्क अराउंड इन टर्म्स ऑफ डिटॉक्सिफाइंग योर एनर्जीज. जो आपको सही लगे वो एक चीज भी करो. यू नो यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर दिस वीक बिकॉज एनी वे देर इज अ लॉट ऑफ लाइक सैडनेस इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ. तो उसको भी हमको थोड़ा सा फिक्स करने की, थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए. सो या दैट इज वॉट वी हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Aquarius. Aquarius, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Aquarius, देखते हैं ये हफ्ते की energies क्या बता रही है. Aquarius, मुझे ऐसा लगता है आपके दिमाग में जो चल रहा है ना उस पर कदम लो, उस पर एक्शन लो. आप दूसरों की वजह से ना अपना पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस चेंज करो. दूसरों की वजह से ना आप अपनी एनर्जीज को लाइक एक डिफिकल्ट स्पॉट में ला रहे हो. मेरे हिसाब से आप जो कर रहे हो, आपके जो दिमाग में चल रहा है ना, वो आपको लीडर बनाएगा, वो आपको ना दूसरों से हटके अलग आगे बढ़ाएगा. तो बिकॉज यू नो पीपल आर ट्राइंग टू मैन्युपुलेट यू, आप मैन्युपुलेट मत होना एक्वेरियस. ये हफ्ते आपकी एनर्जीज बहुत सेंसिटिव लग रही है मैन्युपुलेशन के लिए. तो ऐसे लग रहा है यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, फिर मैंने ये क्यों कर दिया, है ना. तो ये रिग्रेट की एनर्जी भी दिख रही है. तो जैसा हो सके अपनी बातों पे, अपने थॉट्स पे, अपने आइडियाज पे खड़े रहना है और उसको एक्शन करना है. लिटरली अपना ना नहीं लेफ्ट देखना ना राइट देखना है, अपना जो फोकस है उस पे ही चलते जाना है. क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज, आपके आइडियाज, आपकी वाइब्रेशंस एक्वेरियस बहुत अच्छी लग रही है, बहुत पॉजिटिव लग रही है. ऐसे लग रहा है काम में बरकत, काम में तरक्की आ सकती है, अप्रिसिएशन आ सकता है, अप्रेजल आ सकता है. कहीं ना कहीं आपको ना बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके काम से. आपको मॉनेटरी गेन्स भी हो सकते हैं ये हफ्ते. कहीं ना कहीं आपको कोई रुका हुआ पैसा अगर मार्केट में है तो वो भी मिल सकता है. ऑन दी अदर हैंड मेरे हिसाब से आपकी हेल्थ भी आपका बहुत फेवर कर रही है. जो पास में थोड़े से ऊपर नीचे सिचुएशन थी, ये हफ्ते आप बेटर होते हुए देख रहे हो, एनर्जी सुधार होते हुए देख रहे हो. एंड एंजल मैसेज फॉर यू इज You know what, Aquarius, move out of your comfort zone. Making new friends, new contacts, new लोगों से बात करो. जितना ज्यादा ओपन अप होगे उतना ज्यादा आपका ना कैसे कहते हैं एक्सप्लोरिंग एनर्जी बढ़ेगी. आप और ज्यादा एक्सप्लोर करने लग जाओगे और ज्यादा लोग आपके पास अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे. तो अपने आप को इतनी रिजर्व जो आपकी पर्सनैलिटी है ना उसको थोड़ा सा ओपन करो, थोड़ा सा सोशलाइज करो, थोड़ा सा चिल करो ये हफ्ते. सो या दैट इज वॉट वी हैव फॉर यू Aquarius. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Pisces. Pisces, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Pisces, देखते हैं ये हफ्ते की energies क्या बता रही है. Okay, lovely. Pisces, I feel you have got a person in your life who will help you a lot. आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी लग रही है ये हफ्ते. आपको ऐसा लग रहा था आधा जो बर्डन है ना वो किसी ने ले लिया. ऑफिस में कोई कलीग आपको हेल्प ऑफर कर सकता है. टेक दैट हेल्प. यू नो, आपके बिजनेस में आपके कोई आपको न्यू आइडियाज दे सकता है. सीख दोज न्यू आइडियाज. कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में भी कोई आके आपको कोई राय ओपिनियन देके जा सकता है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी. तो मेरे हिसाब से कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में चीजें बेटर करने के लिए, चीजें सुधारने के लिए. सो यू नीड टू फोकस, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली अलाइंड टू दैट जर्नी. उसके बाद जो आपका दूसरा कार्ड आया हुआ है फ्रॉम Pisces, इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड वीक फॉर योर रिलेशनशिप. आपके रिलेशनशिप में ना आपको बहुत जॉय, कंटेंटमेंट महसूस होगी. आपको ऐसा लगेगा यू एंड योर पार्टनर आर very कनेक्टेड, very अलाइन टू ईच अदर. आपको ऐसा लग रहा है इतने सालों से जो बॉन्ड फील करना चाह रहे थे ना वो आप करना स्टार्ट करो. एंड नथिंग लाइक फीलिंग द कंटेंटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप में बहुत कंफर्ट, बहुत हैप्पीनेस, बहुत जॉय महसूस करो. साथ ही साथ अगर आप सिंगल हो तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई प्रोस्पेक्ट आपके पास जरूर आ सकते हैं. उसको कंसिडर करो. आप ना थोड़े से, अगर आप सिंगल हो ना, सेल्फिश हो गए हो. आप सिर्फ अपना ही अपॉर्चुनिटी, अपनी ही चीजें सोच रहे हो. यू नो व्हाट, यू नीड टू बी अ लिटिल ओके टू मेक सर्टेन चेंजेस एंड शिफ्ट्स इन योर जर्नी एज वेल. ऐसा है कि आपने ना 50 चीजें लिख रखी हुई है, अगर 45 भी टिक हो रही है ना तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो. आपको चाहिए कि 50 के 50 हो. सो आई एम नॉट सेइंग कॉम्प्रोमाइज, बट आई एम जस्ट सेइंग बी ओके टू मेक सर्टेन चेंजेस, राइट? दैट इज हाउ यू विल अट्रैक्ट द राइट पर्सन इन योर लाइफ. उसके बाद Pisces, व्हाट अ वंडरफुल मैसेज, पीस ऑफ माइंड. यूनिवर्स आपको बता रहे हैं जो भी स्ट्रगल, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे थे ना उसमें आपको सुकून मिलेगा. दिस वीक यू आर गोना फील लॉट मोर कामर, lot more positive, and a lot of peace of mind is coming to you this week. So feel content, joyous, happy, and look forward to a lot of better things this week. Yeah, that is what we have for you, Pisces. I really hope it helps, brings you light, positivity, and all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.